हेलो एवरीवन। सो आज हम बहुत टाइम बाद ब्लॉग करना शुरू कर रहे हैं। सो पीएस गूगल ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। सो आज हम करेंगे बहुत सारी ब्लॉगिंग, बहुत सारा फन। सो साहब मेरे साथ हैं और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साहब अपना काम कर रहे हैं और मैं बस तैयारी करने वाली हूँ स्टोर पे जाने की। और आज काफी बहुत टाइम बाद साहब ने मुझे बोला कि क्यों नहीं वीडियोस बनाती है, क्योंकि आप लोग वीडियोस ठीक से देखते नहीं हो, ना शेयर करते हो और ना ही इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो। तो इसीलिए फिर मैंने बंद ही कर दी थी। फिर मैंने बोला कि इतने इतने से व्यूज के लिए क्या करना। बट अगर आप लोग साथ दोगे, आप लोग शेयर करोगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखोगे और कमेंट करोगे, तो मैं रोज कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ न्यू न्यू ब्लॉग्स लेकर आऊं और अच्छे अच्छे साहब के साथ प्रैंक करूं मतलब। सो यहाँ है साहेब से हाय। तो अभी साहेब कुछ अभी उठे ही हैं और कल था हमारा ऑफ डे और हम लोगों ने बहुत फन किया। हम ललोग रात को, मैं कल मम्मा को डॉक्टर के पास लेके गई, खुद डॉक्टर के पास गई, डेंटिस्ट के पास गई, टूथ ट्रीटमेंट करवाया और रात को फिर हमने डिनर किया और घर पर आ गए। सो फिलहाल के लिए अभी हम ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं दोनों मिलके और जो कि बनाया साहब ने बता दो। नहीं साहब ने नहीं बनाया, आंटी ने बनाया। आंटी बहुत अच्छा। मम्मी गई हैं कहीं नानी के घर, चार पांच दिन। तो मम्मी है नहीं है और ये नहीं बताओगे कल मैंने साहब बना के पिलाई थी? कल पिलाई थी ना, आज तो नहीं पिलाई ना। वो भी 9 बजे उठ के। तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सारी आप लोगों के साथ व्लॉग लेकर आएंगे। कुछ इस तरह से आप देख रहे होगे, पेट चपट होने वाली है जल्दी जल्दी। हाँ हाँ फटाफट चपट हो रहा है। और यहाँ पर हमारी आ चुकी है चाय और यहाँ हम देख रहे हैं टीवी। तो गाइस मेरा हो चुका है नाना धोना खत्म और मैं आ चुकी हूँ नीचे इस समय विनीत के पास। विनीत आप क्या कहना चाहोगे, कल जैसे आप करके दिखाते आज दिखा दो। विनीत विनीत मेरे ब्लॉग में भी तो सबका स्वागत कर दो प्लीज, कर दो बोल दो सब्सक्राइब जैसे उन्होंने आपके ब्लॉग में। तो कल मैंने इसके इसकी जो ब्लॉग चैनल था उसमें सबको बोला कि सब इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये मेरे ब्लॉग के लिए नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा ना। सताई जी ने बनाया बहुत यम्मी से कड़ी चावल, साथ में सैलेड पापड़। और यहाँ पे जैक है, वहां पे कुछ नहाना धोना हो रहा है अभी सबका, आज लेट लेट हो रहा है। सो दीदी आई हुई है घर पे और हम खाने वाले हैं कड़ी चावल। सो इंजॉय करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पर मुझे जाना है स्टोर पे। इतना परेशान किया मैंने स्टाफ ने, तो मुझे जाना ही पड़ेगा स्टोर पे। सो आप सबको बोल दो एक बारी, सब्सक्राइब करो चैनल को, पीएस दुग्गल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, बोलो शेयर करो। अच्छा सिर्फ ये बोल दो कि शेयर करो प्लीज गाइस, सब शेयर करो, देखो एंड तक वीडियो को देखो। सो आज पूरे इस व्लॉग में आपको विनीत दिखने वाला है। सो मैं जब स्टोर से वापस आ जाऊंगी तब भी वो यहीं पर होगा, क्योंकि वो आया है नानी के घर में रहने के लिए, है ना नानी हाउस रहने आया ना। टू डेज के बाद जाएगा तो कह रहे 2 डेज के बाद जाऊंगा। सो कोई बात नहीं, तू 2 डेज यहाँ रहे बेटे, तेरे को इतनी चूंडियां मारनी है ना, रुलाना भी है तेरे को, मेरे को मैंने रुलाना भी है, ऐसा बच्चा बहुत लड़ता है। ऊपर जाके देगा ना, यहाँ तो नहीं देगा ना। तेरी बात में दम नहीं था आज, बात में दम नहीं था आज, बात में दम नहीं था। थोपो ढूंढो ऊपर जाके, ऊपर कैसे जाके देगा, अभी तो तू नीचे है, यहाँ पे मम्मी है इसलिए। चल बेटे तू ऊपर चल, आज देखते दे, आज देखेंगे किसमें कितना है दम। वहां मम्मी नहीं मिलेगी, रोएगा धोएगा सब, ऊपर ही निपटना पड़ेगा, ऐसे करके रोता है। साहब क्या करेगा, साहब कुछ नहीं करेगा, साहब ऊपर ही रहेगा, वो देखेगा, वो है ही नहीं पब्बा, तो है ही नहीं ना पब्बा है ना दूसरी नानी है, आज तो मजा आ जाएगी, तू आ तो सही ऊपर, कोई बचाने वाला नहीं है तेरे को मुझसे। हाँ मैं तो तेरे को चूड़िया मार मार के रुलाऊंगी ना, और मैं तेरे को बहुत सारी चूटियां मारूंगी, चूटियां इतनी सारी चूटियां मारूंगी, इतनी सारी चूटियां। ये कान होते हैं, ये गान होते हैं, कह रहा मैं आपके ना बहुत ज्यादा कान पकड़ूंगा, ये कान है, ये ब्लॉग में आपकी स्कूल वाली टीचर भी देखेगी।
लेना, इसको निपट लेना अब। नहीं अब तो तू गया बेटे, अब तो तू गया। अच्छा चल खा ले, चल खा ले, चल खा ले। मार तो लिया तूने मेरे को एक चाटा। तो ये स्पेशल कड़ी चावल इसने बोला। ओ लो जी, एक चंदू आ गया। नहा तो लेते, आज किसी का दिल नहीं है नहाने का। सो लेट्स ईट इट। चलो खाओ अब, आपने स्पेशल बनवाया है ना अपने लिए कड़ी चावल। मेरी मम्मी ने तो राजमा चावल बनाया। चलेगा आर्मिन के पास? चलेगा, चल चल, वहां जाना पड़ेगा मेरे साथ गाड़ी में, उधर घर में, दूसरे घर में चलेगा तिलकनगर। चल चादल नहीं है, चादल गई कनाडा। आर्मी ना सिर्फ ठीक है, हाँ नहीं बनाएगा वो वाला बोल देगा मोए 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 सुना दे सबको। एबीसीडी आती है तुझे? आप भी आ जाओ, आ जाओ। जैक तेरे को क्या चाहिए? हो जैक, बस खाने में घुसता रहेगा हर समय। बुक कर, चल विजय उधर आ जा, उधर आ जा मोटू। हाँ काका मोटू ही जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो इतना बड़ा बच्चा क्या पी रहा है? अंगूठा चूस रहा है, अंगूठा चूस रहा है। विनी तू अंगूठा पे चूसता है? तेरी चाची देखेगी तो क्या बोलेगी? ये देखो, देखो क्या कर रहा है। सो गाइज नीचे से हम लोग कड़ी चावल खाकर आ गए, बहुत ही टेस्टी बनाए थे। और फिलहाल के लिए अभी मेरे को जाना है स्टोर पे। सो इससे पहले मैं स्टोर पे जाऊँ ये फटाफट मैस क्लीन कर लेती हूँ। और मम्मा एक्चुअली अलीगढ़ गए हैं, साहेब बार फोन पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक थोड़ा लेट ही हो गया आज, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं और चलते हैं स्टोर पे। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और साहेब भी हो चुके हैं। और ये बाल सारे बाहर रखो, सभी देख सकते हो बाल, हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। सो फिलहाल के लिए हम दोनों हो चुके हैं रेडी और फटाफट साहेब मेरी गाड़ी बाहर निकाल कर दे दो, बिकॉज मुझे जाना स्टोर पे, मैं वेट कर रही हूँ आपकी। सो जल्दी से रेडी हो जाओ। सो हम मेरी जो गाड़ी होती है ना वो अंदर लगी होती है पार्किंग में, तो मैं बाहर नहीं निकाल पाती, तो साहेब ही निकालते हैं। मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुझे डर लगता है। मैं एक बार अगर सीख जाऊंगी ना ठीक से तो फिर मुझे आई थिंक। आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए? चलाते हुए तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, 15-16 साल हो गए। मुझे ऐसे गाड़ी पार्किंग से निकालनी नहीं, वो ढलान से डर लगता है हमेशा। वो पीछे जब आती है ना तो मुझे उससे डर लगता है। मैं जैसे आप कहीं वहां पे जाती हूँ ना मॉल में, तो जब ऊपर जाता है ना उसमें भी डर लगता है, नीचे आता तब भी डर लगता है। जैसे हमारे घर की पार्किंग सेकंड फ्लोर पे है यार, वो ऊंची ऊंची है बहुत ज्यादा। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ। तो अभी फिलहाल के लिए को बोल रही हूँ जल्दी कर ले, बहुत देर करता, बहुत देर। सो गाइस दुकान के लिए निकल चुके हैं और आज बहुत ट्रैफिक है बाहर, पता नहीं क्यों, मे बी लोहड़ी आ रही है उस चक्कर में भी ट्रैफिक हो सकता है। तो मैं जा रही हूँ स्टोर पे और सुबह से ही बोल रही हूँ कि मैं स्टोर पे जा रही हूँ, और इस समय टाइम हो चुका है 5:30 साढ़े पांच बज चुके हैं और अभी तक मैं स्टोर पे पहुंच नहीं पाई हूँ, बट पहुंचने वाली हूँ। थोड़ा सा रश है, थोड़ा रिक्शे विक्शे गलत ले आते हैं, सो इसी की वजह से। और कुछ रील्स बनाने लग गई थी साहब के साथ में बैठ के। तो यप, आप लोग भी स्टोर पे आ सकते हो, जिनको स्टोर का एड्रेस चाहिए बायो में ऑलरेडी इंस्टाग्राम में लिंक है, प्रियंका कौर सेठी के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। सो या आप वहां से ले सकते हैं। और किसी ने भी कुछ भी लेना हो प्लीज यार शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और एंड तक जरूर देखना कि आज रात को हम लोग कुछ स्पेशल कहीं जाने वाले हैं। सो या सो गाइस स्टोर पे आके मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि काफ़ी रश था, दुकान पे काम कर रही थी। और अभी फिलहाल के लिए घर जा रही हूँ, बिकॉज मुझे वॉशरूम जाना है और हमारे गुरुद्वारा साहेब बिल्कुल घर के सामने है। सो
पंचायती गुरुद्वारा जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, सो वो गुरुद्वारा है ये वाला। अभी फिलहाल के लिए पाठ चल रहा है, आई शो यू। सो गाइस ये है हमारा प्रिटी ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा और ये है हमारा घर। ये दोनों महारानियां रेस्ट कर रही हैं। सो ये किसका व्लॉग देख। सो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ स्टोर पे अगेन वॉशरूम करके, मतलब स्पीड स्पीड से जल्दी से यहाँ से वॉशरूम किया एंड उसके बाद हम जा रहे हैं स्टोर पे। ठंड है। सो गाइस चल पड़े हैं अपने रास्ते पे घर की और या साहिब भी पहुँच चुके हैं। मैं स्टोर से मामा के घर में थी, थोड़ा काम कर रही थी और साहिब की मॉम एंड प्रपकीरत अलीगढ़ में हैं, तो मैं यहाँ पर थी मम्मा के पास, थोड़ा सा काम कर रही थी, थोड़ी मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और बस गप्पे मार रहे थे बैठ के। अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ घर। मुझे कुछ साहिब के साथ कहीं जाना भी है, कुछ काम है ज़रूरी, तो लेट्स गो। और अभी आपको साहिब से मिलवाती हूँ। तो बस रात का घूमने में मज़ा ही अलग है। तो अभी हम जा रहे हैं जलेबी लेने और टाइम हो चुका है 12:50 और हम जा रहे हैं गुरसिमरन के साथ जलेबी लेने के लिए। लेट्स गो। सो रात को जलेबी। दीदी कहाँ है, आ रही है ना? तो वो तो अंदर से खोल लेंगी। हमने डोर जो है ना वो ग्लूज कर दिया और हम सारे जा रहे हैं गाड़ी में जलेबी लेने। जलेबी जलेबी ग्राहक और देखो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वहाँ से दीदी आ रही है अभी विनीत को लेके। आखिरकार रो रो के आ रहा है वो। ये तू ड्राइवर है, अकेला बैठेगा आगे? तो वैसे हम घर आ गए हैं और हमें जलेबी मिली नहीं थी तो हमने खाई रबड़ी और मैं वो दिखा नहीं पाई क्योंकि हम जल्दी 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 हम लेट भी हो गए थे और बहुत बार ठंड भी थी, तो इसीलिए फिर हम घर आ गए। घर आके मैंने नाइट सूट चेंज किया फटाफट एंड फटाफट अपने लाइक फेस वॉश एंड ऑल किया और मैं बैठ चुकी हूँ अब हीटर के आगे। हीटर ये रहा और मैं ये रही और ये रहे साहिब। व्हाट साहिब झूठा, तो जिम करके आया ये, अब रात को 1 बजे जिम कर आ रहा ना झूठा। तो साहिब नीचे ही थे अभी, लेट ही आए हैं हम लोग, कोई काम गए हुए थे। फिर उसके बाद अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उसको क्या खाना है। रात के बज चुके हैं 2। मुझे दाल चावल ताई ने बनाए हुए हैं। तो गाइस ओके अभी आज के लिए इतना ही, आज करते हैं इसी व्लॉग को एंड यहीं पर और मिलते हैं आपको कल। सी यू टुमारो एंड प्लीज व्लॉग को फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड बाय।